नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपके वीडियो के साक्षात्कार में आपकी जो है सहायता करेगी। और इस टिप्स को जो है UP SSSC में चयनित हुए बच्चों द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ मैंने भी 3 इंटरव्यू खुद के दिए हुए हैं, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले टिप्स नंबर 1 में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कपड़े हैं वो फॉर्मल होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। इस प्रकार के कपड़े होने चाहिए। आपकी जो शर्ट की स्लीव्स है यानी बांह है वो फुल होनी चाहिए और वो मुड़ी हुई ना रखें आप, और कपड़े को इन करके ही ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से पहने। साथ ही साथ कपड़े साफ एवं प्रेस होने चाहिए। वैसे नॉर्मली ये बात सभी को पता होती है, लेकिन अब बता रहे हैं तो शुरू से सब कुछ बता दें आपको तो ज्यादा है, बेटर है आपके लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर आपको दिखाया गया है कि जूते भी आपके फॉर्मल होंगे और बहुत शाइन करने वाले नहीं होंगे। तो आपके जैसे लेस वाले जूते यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसी प्रकार से आपके जूते रहेंगे। और बहुत शाइन वाले इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है कि जो ज्यादा शाइन वाले जूते होते हैं वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो है बहुत शाइन वाले जो है आपके जूते ना हों। अगर लड़कियों के लिए बात की जाए तो लड़कियों के लिए सलवार एवं कुर्ता या कुर्ती जो भी हो वो और सिंपल होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। और उसकी जो है बाहें हो वो आपकी छोटी ना हो, थोड़े लंबे स्लीव्स वाले आपके जो है हो, वो ध्यान में रख करके आपको करना है। बहुत ज्यादा भड़कीला ड्रेस नहीं होना चाहिए, सिंपल में होना चाहिए। और हाथ में घड़ी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि हाथ में ब्रेसलेट है, कड़ा है, कंगन है, ये सारी चीजें होते हैं उसको पहने रहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप पहने हैं तो उसको उतार करके इंटरव्यू देने जाएंगे और ये सारी चीजें नहीं रखेंगे। ये चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो, सबको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं टिप्स नंबर 2 में क्या है। दरवाजे से घुसने से लेकर आपके इंटरव्यू खत्म होने तक एक व्यक्ति आपको देखता रहता है। क्या वो करता है? वो आपको जज करता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को, उस सारी चीजों को वो देखता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखते हुए सभी काम को करना है। जैसे नजरें इधर उधर ना दौड़ाएं केबिन में घुसते समय, अपने बैठने के तरीके को ठीक रखें, ज्यादा बहुत आराम से भी आपको नहीं बैठना है और ना बहुत ही फर्म होकर के बैठना है। आपको थोड़ा सा आराम से जिस प्रकार से आप घर में नॉर्मली बैठते हैं वैसे ही आपको रखना है। ये नहीं कि इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपने आप को एकदम जो है स्ट्रेट एकदम कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, एकदम नॉर्मल रहिएगा। वो सारी ये सारी चीजें होने लगती हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं। फिर क्या करना है दोस्तों, केबिन में घुसते वक्त उनसे अंदर आने की आज्ञा मांगनी है और जब तक आपको आज्ञा नहीं मिल जाती तब तक आप अंदर मत जाइएगा। ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। उनसे आपको तर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी चीज को लेकर तर्क वितर्क वाली बात अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आपको नहीं करना है, ये एकदम ध्यान में रखना है। जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना है, अपनी तरफ से ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको अच्छी खासी उसके बारे में नॉलेज होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी बता दें, तो ऐसा नहीं करना है। जितना आपसे पूछ रहे हैं केवल उतने को ही आप बताएं, अपनी तरफ से कुछ भी बताने का जो है एफर्ट ना डालें उसमें। चलिए दोस्तों, आगे देखें और क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं जो आपको करते रहना चाहिए और वो आपको फायदेमंद हो। इंटरव्यूअर जिस भाषा में आपसे सवाल करे उसी भाषा में उसे जवाब देने की कोशिश करें। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इंग्लिश में भी पूछते हैं और हिंदी में भी पूछते हैं, तो जिस भाषा में वो आपका से पूछें उसी में आप जवाब दें। अगर आपको उस भाषा में जवाब नहीं आ रहा है तो उसके लिए उससे आप क्षमा मांगें और उससे मतलब ये पूछ लें कि आपको इंग्लिश में जवाब दें या हिंदी में जवाब दें, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है उसके अलग से जो आप जिस लैंग्वेज में बताना चाहते हैं उसके लिए उससे जरूर जो है पहले आप पूछ लें। और जैसा कि UP SSSC की जो अभ्यर्थी यानी जिन्होंने उसमें इंटरव्यू दिया है उन्होंने बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपसे हिंदी में ही होते हैं, जो आपके थोड़ा इंट्रो वगैरह होते हैं ये सारे इंग्लिश में हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसी चीज पे आप अगर मेहनत कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। और दोस्तों, जब तक किसी चीज में आपकी राय ना मांगी जाए तब तक कुछ ना बोलें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ये तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं तब भी मैं आपको यहाँ पे उसके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग आपस में करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, वो चाहे आपके बारे में हो या कोई सोशल इशू के बारे में हो या कुछ भी हो, तो उसके बारे में क्या होता है कि वो आपस में चर्चा करने लगते हैं, तो ऐसा नेचुरली हो जाता है कि जब लगता है सामने कि ये सही है या ये सही है तो आप अपनी तरफ से बोल देते हैं, तो वो तो आपको नहीं करना है। जब तक आपसे कहे ना कि आप इसके बारे में कुछ बताएं तब तक आप जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको जो सही लगे उसके बारे में आपको बता देना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए, अपने तरफ से उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है, वो क्या है, क्या पढ़कर जाएं, क्या पढ़कर के जाएं, वहां पर क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारी चीजें। तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखिए वहां जो इंटरव्यूअर बैठा है उसे आपका ज्ञान नहीं जांचना है, क्योंकि आपने अपने ज्ञान को लिखित परीक्षा में ही दिखा दिया है। जाहिर सी बात है आपने जो उनका जो है कट ऑफ था, उस कट ऑफ को क्लियर करके आप वहां पे पहुंचे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर उतना ज्ञान है जो उनको उस पोस्ट के लिए या उस इंटरव्यू के लिए चाहिए था, तो वो तो आपका वहां पर ही हो गया। तो उनको आपका बहुत ज्ञान नहीं जांचना है, 90% आप वहां दे आए हैं, केवल 10% आपको यहाँ पर जो है अपने ज्ञान को जाहिर करना है, बस और ज्यादा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या होती है, वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखता है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका गिर जाता है तो आपको जो है अंदर से आपको पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं, और आपकी जो है जो फ्लुएंसी रहती है वहां पे वो गड़बड़ा जाएगी, आपकी पसीने आने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी। ये सब सारी चीज तभी होंगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो इसको आपको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, जो चीजें मैंने पीछे बताई है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और आप आराम से इंटरव्यूअर के सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं आ रहा है तो चुपचाप आप उनसे जो है उसके लिए सॉरी मांग लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नहीं सोचिएगा कि आपने एक जवाब नहीं दिया है तो आपके नंबर का उसमें कट जाएंगे या कम हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से एकदम आप इंटरव्यू दीजिएगा। आपको अब देखिए दोस्तों कि पढ़ने की बारी आएगी तो आपको अपने एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से बन सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएट हुए हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं या जिससे भी हैं आप, तो आपने वो सब्जेक्ट क्यों लिया है, आपने उस सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट उसमें रहा होगा तभी आपने लिया है, और आप उस ग्रेजुएट हुए होंगे उस सब्जेक्ट को लेकर के, इसके इसका मतलब कि आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो जो उसकी बेसिक जानकारियां होती है यानी बेसिक नॉलेज होती है वो आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा जो है उसके इंटरनल में घुस करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी चीजें नहीं। आपसे जो है इतनी वो अपेक्षा रखते हैं सामने इंटरव्यूअर जो भी बैठा है, वो इतनी अपेक्षा आपसे रख रहा है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ लेना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपका हो उसको पढ़ करके जाएं, और वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, यानी आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश में क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको जानकारी जिसके बारे में रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आपसे वो पूछ सकता है। फिर सबसे अगर लास्ट बात की जाए तो आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसको थोड़ा बताएं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा है कि जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि उसके बारे में आप जानकारी जरूर जुटाए रहे होंगे, तो ये आपको जरूर उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि ये किस डिपार्टमेंट में आता है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें, क्योंकि आजकल तो नेट का जमाना है तो सारी चीजें आपको जो है वहां पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये उससे आपसे पूछ सकता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेकिन इतनी तो आप जितनी आप जान सकते हैं उतनी वो आपसे पूछ भी सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर ये सारी चीजें आप करके जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में एक अच्छा मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये तो मैं आप कह सकता हूं दावे के साथ। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जो भी चीजें मैंने बताई उसको ढंग से आप समझ लीजिएगा, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे। तो अगर आपको ये पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ जो नए व्यूवर्स हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारियां मैं आपको देता रहूं। साथ ही साथ मैं हिंदी की, जीके की और कंप्यूटर की क्विज आपको यहां पर दिया करता हूं, वो भी आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसको भी आप लोग देखते रहेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लेंगे ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में वो भी जानकारी प्राप्त कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।